हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आरआरबी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट, जिसमें आप देख सकते हैं कि आरआरबी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स, अब ये नोटिस आया कब है नोटिफिकेशन? 7 तारीख, 7 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया है, ये आप देख सकते हैं। और ये एक ऑथेंटिक जेन्युइन नोटिस है, ये फेक नोटिस नहीं है, ठीक। अब ये नोटिफिकेशन बिल्कुल रियल है, तो आप देखें इसमें क्या बताया गया है। इसमें इन्होंने बताया है कि कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने हैं, जैसे एएलपी का एग्ज़ाम है, ये 25/11/2024 से 29/11/2024 के बीच कंडक्ट कराएंगे। कितने कम समय में, सोचो। लोगों ने सोचा होगा कि ये कम से कम 1 महीने तक चलेंगे, पर ऐसा नहीं। आरपीएफ एसआई का ये 2 तारीख से स्टार्ट होंगे और 5 तारीख तक ख़त्म, यानी 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक फिनिश कर दिए जाएंगे एग्ज़ाम, मतलब कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और जो आरआरबी टेक्नीशियन का है, वो 16 तारीख से स्टार्ट होंगे, 16 दिसंबर से, और 26 दिसंबर तक कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और आरआरबी जेई और अदर्स, ये 6 दिसंबर से स्टार्ट होंगे और 13 दिसंबर तक ख़त्म कर दिए जाएंगे सीबीटी बन के। और यहाँ पर एएलपी का भी सीबीटी बन ही है, जो 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच कंडक्ट कराए जाएंगे एग्ज़ाम। तो देखो दोस्तों, कितनी बड़ी अपडेट दी है आरआरबी की तरफ से, ये इतनी जल्द से जल्द ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं टाइम बहुत कम है, और लग जाइए तैयारी में, ठीक है। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो वीडियो पर कमेंट करें, जानकारी मिलेगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।